कैसे हाल चाल है आपके? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली वो दोस्त अच्छे होने वाले हैं जिनको होम टूर बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आपके साथ एक घर का टूर करने वाली हूँ जो कि मेरा घर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मुझे जंगलों वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं एंड मेरे हस्बैंड रियल स्टेट में है और उनके पास ये घर है एक बहुत ही प्यारा सा। उन्होंने कहा कि अगर मैं देखना चाहूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा पिक्चर्स में, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि 2.8 मिलियन में अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको टोरंटो GTA में कैसा घर मिल सकता है कंट्री साइड में। अगर आपको ये वुड्स अच्छी लगती हैं, नेचर अच्छी लगती है, जैसे मुझे अच्छी लगती है, आपको पता ही होगा, तो आप अगर इतने पैसे स्पेंड करेंगे तो आपको कैसा घर मिलेगा। और यस, यही घर दिखाऊंगी मैं आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और यस, अगर ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो ज़रूर से बताना। Into your mind so silky, up under the town we fly, clean it up just to make it feel. All right, प्यारे दोस्तों, सो ये है वो रास्ता जहाँ से होकर आप घर को जाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और फॉल के कलर से और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। घर में पहुँचने के बाद ये आपका मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर जाते हैं, ये वाला डोर। सो अंदर एंटर करते ही आप लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। सो हम जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है किचन एंड लिविंग रूम जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किया। मेन फ्लोर पे एक बेडरूम भी है जिनको स्टेयर्स चढ़ के जाना अच्छा नहीं लगता। और ये है किचन। किचन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आज मैं कैमरामैन हूँ तो आपको मेरे व्यू से ही ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आई विश कि मैं होस्ट कर पाती आपको, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो दिस इज़ द लिविंग रूम व्यू और हिम्मत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर में। ऑलराइट, लिविंग रूम के बाहर जाके ये एरिया है जिसको सन रूम बोलते हैं, जहाँ पे हीटिंग नहीं होती है, पर गर्मियों में या सर्दियों में ये रूम बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि आप हीट फील कर सकते हैं धूप। और यहाँ पे ये फायर प्लेस भी है बहुत अच्छा सा और व्यू बहुत अच्छा है कि हर तरफ विंडोज़ हैं और आपको बाहर का व्यू आता है वुड्स का। और ये जो विंडोज़ है खुल भी जाती हैं गर्मियों में, अगर आपको थोड़ा कूल चाहिए ये रूम और, तो ये आप कर सकते हैं। जब आप अंदर आ जाए तो व्यू कुछ इस तरह का है, इस तरफ आपको किचन दिखती है और अदर साइड आपको लिविंग रूम दिखता है। किचन का साइज़ अच्छा है, जैसे मुझे वुड बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे हर तरफ आपको वुड ही देखने के लिए मिलेगी घर में, फ्लोर में कबर्ड्स और फर्नीचर भी ज़्यादा वुड का ही है। और ये है ईट एंड डाइनिंग, सो अच्छे साइज़ का है ये, आप बड़ा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड भी विंडोज़ बाहर सनरूम की तरफ है और कुछ विंडोज़ बैकयार्ड की तरफ। यहाँ पे एक डोर भी है जो बाहर की तरफ जाता है और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। बाहर काफ़ी अच्छा सिटिंग प्लेस है, बहुत सारे सेक्शंस हैं एंटरटेन करने के लिए और घर का व्यू तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा है। सो अगर आपको घर में एंटरटेन करना अच्छा लगता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है एंटरटेन करने के लिए। सो ये वाला जो बैकयार्ड है यहाँ पे ग्रास है और अच्छा मेंटेन्ड है वो। सो इस घर के अराउंड 2 acres लैंड इस घर की है और उसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है और आप उसे वैसे ऐसे छोड़ सकते हैं जैसे वो नेचुरल है। सो यहाँ पे है ये फायरप्लेस जो कि डबल साइडेड है, एक साइड आउटडोर है और एक साइड आपके बेडरूम में खुलेगी। अब ये किचन का व्यू है, किचन में विंडोज है सिंक के पास और अच्छी ब्रिक काइंड की डिटेलिंग है स्टोव्स के पास और गुड साइज किचन है। सो
सो किचन के बिल्कुल साथ ही ये बेडरूम है जो कि उन्होंने अपनी मदर के लिए बनाया था, पर मदर कभी यहाँ पे रही नहीं। और यहाँ अच्छा साइज बेड है, गुड साइज की क्लोजेट है एंड शावर है, सिंक, गुड साइज का वॉशरूम है। इस रूम से भी एक डोर बाहर डेक की तरफ जाता है और आउटडोर्स जाने के लिए यहाँ पे एक डोर है। सो इस रूम से बाहर आके हम अगेन जाएंगे लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ड्री है एंड गैराज का डोर है। लॉन्ड्री का साइज भी बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है लॉन्ड्री में, और लॉन्ड्री में ही उन्होंने छोटी क्लॉजेट्स भी बना के रखी हैं कपड़े मैनेज करने के लिए। और ये है गैराज, और गैराज का साइज अच्छा है, और यहाँ पे उन्होंने ये डॉगी बाथ भी बना के रखा है, उनके पास एक डॉगी है तो वो यहीं पर उसको बाथ देते हैं। और यहाँ पर एक डोर है जो सीधा बेसमेंट में भी जाता है गैराज से। और अब हम दोबारा से अंदर आएंगे और हम जाएंगे मेन डोर से लेफ्ट साइड अगेन, क्योंकि उस तरफ एक बेडरूम है जो उन्होंने मेन फ्लोर पे बनाया है, पर उसको वो यूज़ करते हैं एज अ लाइब्रेरी और ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाइट है रूम में। उसके साथ ये अटैच वॉशरूम है जहाँ पे शावर भी है, फुल वॉशरूम है यहाँ पे, पर ये एक बेडरूम है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी नेचुरल लाइट है और बहुत अच्छी अच्छी विंडोज़ हैं और रूम का साइज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद हम जाएंगे अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स से नीचे का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। अपस्टेयर्स जाते ही हम जाएंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है, एटिक किस्म का रूम है जिसको वो यूज़ करते हैं एज अ सिटिंग और एंटरटेनमेंट रूम, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक सिस्टम रखा है, जो इस घर में प्रेजेंट लोग रह रहे हैं उनको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने घर में हर जगह इन बिल्ड स्पीकर्स लगाए हैं, लाइक म्यूज़िक सिस्टम लगाया है कि पूरे घर में म्यूज़िक हो। सो दैट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये रूम को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। I like woods. मुझे हर तरफ से रूम अच्छा लगता है। और ऑपोजिट साइड से यहाँ पे एक रेलिंग है जहाँ से आप नीचे देख सकते हैं लिविंग रूम की तरफ, और लिविंग रूम में क्या चल रहा है उस पर आंख रख सकते हैं, और किचन में क्या कुक हो रहा है उससे पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, और इस तरह आपको ऊपर से लिविंग रूम दिखता है। सो ये है ओवरव्यू उस एटिक किस्म के रूम का। सो हम जाएंगे हॉलवे की उस तरफ जहाँ पे बेडरूम है, लाइक मेन मास्टर बेडरूम इस तरफ। सो इस तरफ जाते हुए फ्लोर का एक है वॉशरूम, दूसरी साइड है मास्टर बेडरूम। ये है मास्टर बेडरूम की क्लोजेट जो हिम्मत को बहुत बड़ी लगी है, पर डिसेंट साइज की है, नॉट वेरी बिग बट इट्स गुड। एंड ये है बेडरूम, बेडरूम का साइज अच्छा है, लाइक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है। यहाँ पे काफी अच्छे साइज की विंडोज हैं, अच्छे साइज की विंडोज मुझे बहुत मजा देती हैं, हर एक को देती हैं, जितना बाहर की चीजों को अंदर लेके आप आए क्या चाहिए आपको और। सो यहाँ से अच्छा आपको दिखेगा वुड्स अगेन, अगर आपको वुड्स अच्छी लगती हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस रूम में हिज एंड हर की अपनी अपनी क्लॉजेट है, जो मैंने आपको अर्लियर दिखाई थी वो हर्स क्लॉजेट थी, ये है हिज क्लॉजेट। क्लॉजेट का साइज डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर
गुड। और इस साइड पे है इन स्वीट, जहाँ पे टॉयलेट अलग से बनी है, डोर भी है, एंड देन शावर है। शावर के सामने ये बहुत ब्यूटीफुल टब है और टब में से भी व्यू बहुत अच्छा है। अगेन बार बार व्यू बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो। सो या आप टब से भी नहाते हुए बाहर पेड़ों की जानकारी रख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और क्लॉजेट वॉशरूम में ही एक बहुत बड़ी सी क्लॉजेट है जहाँ पे उन्होंने आलतू फालतू सामान रखा था, स्किन केयर एंड क्रीम्स एंड मेडिसिंस, एंड काफ़ी अंदर तक थी ये क्लॉजेट। और डबल सिंक है एंड शावर एंड टैप तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अच्छे वुड के ड्रॉर्स हैं। सो इस तरह दिखेगा आपको आपका वॉशरूम। देन ये है ओवरव्यू रूम का, बेडरूम, मास्टर बेडरूम। और अब एक ये रूम है जो अगेन से एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक एंड स्पीकर से भरा हुआ रूम है, और इसको भी आप जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक फायरप्लेस है और इस तरह की रूफ उस रूम की। और ये रूम काफ़ी बड़ा है, लाइक वैसे उन्होंने ये सिनेमा रूम बना के रखा है यहाँ पे। और दिस इज़ मी वॉन्डरिंग अराउंड कि किधर जाऊँ मैं। आप अब मैं जा रही हूँ डाउनस्टेयर हम जाएंगे बेसमेंट में। बेसमेंट इस घर की अनफिनिश्ड है, पर वो यूज़ करते हैं एज अ स्टोरेज। उन्होंने अलग अलग से दो तीन स्टोरेज रूम्स बना के रखे हैं। और ये तो ऐसे बाहर सामान पड़ा है, और इस तरह फर्नेस एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी का काम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। और ये बेसमेंट का एम्प्टी एरिया है, कुछ नहीं बनाया है उन्होंने। और ये बेसमेंट में एक कोल्ड स्टोरेज रूम है जो कि उस सन रूम के बिल्कुल नीचे है, क्योंकि सन रूम में भी हीटिंग नहीं है तो इस रूम में भी नहीं है। सो आप इसमें ठंडी चीज़ें रख सकते हैं अगर आपको कुछ स्टोर करना हो तो, उसका अच्छा साइज़ है। अब हम वापस अपस्टेयर आ चुके हैं और एक बार फिर से हम लिविंग एंड किचन में जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और सारा ओपन है। ब्यूटीफुल था ये किचन, लिविंग रूम एंड हिम्मत एंड यहाँ से बाहर का व्यू एंड ऑल्सो रूफ, सारी वुड की रूफ है। और इस घर में ऐसे फील आ रही है जैसे वकेशन कॉटेजेस होती हैं ना, वैसी फील है इस घर की। सो लिविंग रूम से बाहर की तरफ एक डोर जाता है जिसको आप बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड हर तरफ से ही एक डोर बाहर की तरफ जाता है। इन डोर्स की तरफ से घर का ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ वीडियोस में, क्योंकि घर को दिखाना वीडियोस में मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि किस तरफ से दिखाएं। जैसे आपकी आंखें देख सकती हैं वैसे आपका कैमरा नहीं देख पाता है। अब हम आउटडोर की तरफ जाते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको ये बाहर से घर कैसा दिखता है। बाहर से ये घर इस तरह का दिख रहा है। जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि घर के अराउंड 2 acres अराउंड ये एरिया घर का है। और घर वुड से कुछ इस तरह का दिखता है। सो घर के इस तरफ जहाँ पे एंटरटेनिंग प्लेस है, लाइक डेक है, उस तरफ से आपको घर का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। ओके दोस्तों, तो यहीं पे हमारा होम टूर फिनिश होता है, नॉट हमारा, ये ब्यूटीफुल होम टूर। आई होप आपने ये वीडियो को इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। बाय दोस्तों, मैं घर के अंदर दोबारा जा रही हूँ।